हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान। I'm coming from India. हिंदुस्तान श्याम चोटूरान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ യാത്ര രാഹത്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. मोहतरम नाजरीन हसरात अस्सलामु अलैकुम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। शहाब भाई की कुछ ऐसी वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें उनकी हालत क्या से क्या हो गई थी और कुछ में वो तन्हा सुनसान रास्तों पर सफर करते नजर आए थे। जंगलों में भी दिखाई दिए, वीराने में भी दिखाई दिए और थकान से चूर चूर भी दिखाई दिए। हमने आपको पिछली वीडियो में शहाब भाई की अपडेट दी थी कि वो इराक पहुंच गए हैं और बगदाद की सरजमीन पर कयाम किए हुए हैं। अब जो नई अपडेट हम तक आई है उसमें पता चला है कि शहाब भाई इराक में करबला की सरजमीन पर पहुंच गए हैं और कुछ ही दिनों में कुवैत पहुंच जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब में एंट्री करेंगे और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर जून 2023 में अपना पैदल हज का सपना पूरा करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी इराक की ज्यादा वीडियोस शेयर नहीं की है, वो अभी ईरान की वीडियो ही शेयर कर रहे हैं क्योंकि ईरान में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो ईरान की अपडेट नहीं दे पाए थे, वही अपडेट वीडियो के जरिए वो इस वक्त दे रहे हैं। मगर उनके इराक कुछ पिक्चर्स हमें मिली हैं और वो करबला में रोजाए इमाम हुसैन अली मकाम के सहन में मौजूद हैं। कुछ और पिक्चर्स इराक की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें उनके साथ पाकिस्तान के उनके दोस्त मौजूद हैं। अल्लाह पाक तो शहाब भाई को उनकी मंजिल तक बहुत आसानी के साथ पहुँचा दे और उनकी परेशानियों को दूर कर दे और उनके घर वालों को भी हिम्मत और सब्र अता फरमा क्योंकि वो अपने बच्चों से कई महीनों से दूर हैं और लगातार पैदल सफर करते जा रहे हैं। अल्लाह पाक 2023 में जब वो हज के अरकान अदा करें तो उनका हज कबूल हो जाए और अल्लाह पाक तो उन्हें सलामत रख। उम्मीद करता हूँ नासिर हसरात आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।